हेलो स्टूडेंट्स दिस इज द वीडियो नंबर थर्टी वन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यानी बेटा हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये बना रखा है ठीक है बेटा जी आप देखो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है इस तरीके से और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां देखो इस वाले फिगर में तो आपको और समझ में आएगा इसको हम बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे एक हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है राइट साइड में ठीक है ना और ये आपका डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज का बना हुआ है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को आपको पता है कि वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है ठीक है बेटा अब आपने कहा कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने क्या किया फोर्सफुल्ली इसको आपने रोटेट करके थीटा एंगल पे आके यहाँ पर सेट कर दिया अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस के ऊपर जो चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो राइट साइड में लगाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा और ये माइनस के ऊपर Uh, वो फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड में तो आपको पता है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके अपनी लाइन में लेके आना चाहेगा अपने अलोंग लेके आना चाहेगा ठीक है ना अगर हमको इस डाइपोल को एंगल थीटा पे रोटेट करके रखना है तो हमें एंगल थीटा पे रोटेट करने का मतलब हमें फोर्सफुल्ली वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और जब हम वर्क करेंगे तो वही हमारा जो वर्क है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर जो है स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो अगर आपसे कोई कहता है कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पे रखा हुआ है जिसका सिंपल सा मतलब हुआ कि उसको रोटेट किया गया होगा जो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉर्क लगा रही है उस पर बराबर लगाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हील चाहेगी कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उस, उसकी लाइन के अलोंग आ जाए और किसी एंगल पे करने का मतलब क्या है कि कोई एक्सटर्नल एजेंट ने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करके उसको एंगल थीटा पे सेट किया हुआ है तो अगर थीटा पे एंगल पे है तो इसके अंदर क्या है पोटेंशियल एनर्जी होगी ठीक है ना उसी पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना है अब बताओ बेटा जी अगर हमने डाइपोल को थीटा एंगल हमने रोटेट किया ये हम थीटा एंगल्स को रोटेट कर रहे हैं तो टॉर्क किधर एक्ट हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो टॉर्क लगा रहा है वो आपका क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है और जो आपने एंगल थीटा में डिस्प्लेसमेंट दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो दिया आपने डाइपोल को वो हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपका क्लॉक वाइज है और डिस्प्लेसमेंट जो एंग्लो डिस्प्लेसमेंट आपका एंटी क्लॉक वाइज है तो यहाँ पर जो है टॉर्क जो वर्क करेगा वो निगेटिव में करेगा है कि नहीं बेटा जी क्योंकि टॉर्क कहाँ पर है क्लॉक वाइज है डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है एंटी क्लॉक वाइज है तो टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो वर्क आपका नेगेटिव में आएगा ठीक है ना तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बना रखा था और अभी मैंने बताया आपको ठीक है बेटा जी अब एक चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि अगर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इस स्टेट में है तो इसके पास अपनी कोई ना कोई क्या है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि उसको रोटेट किया गया है ठीक है बेटा जी तो ये जान लीजिए अगर हमारा फोर्स कंजर्वेटिव है, है ना तो फार्मूला क्या बनता है बताता हूं आपको याद रखना है यह बता भी चुका हूं मैं आपको कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द कंजरवेटिव फोर्स जब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स आप निकालोगे तो फार्मूला क्या आएगा कि सिस्टम की जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें से क्या करेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करेंगे तो आपका वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स आएगा ठीक है बेटा जी ये कंजर्वेटिव के लिए है ठीक है ना तो हम क्या करेंगे इस कॉन्सेप्ट को हम याद रखेंगे जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल ऐसा नहीं करते कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल टू द जो वर्क डन आएगा वो कंजर्वेटिव का आएगा इसको याद रखना आप लोगों को है ठीक है तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ में कॉन्सेप्ट दिया अब आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे कैसे हम डाइपोल के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे चलो तो आपका जो मेन डायग्राम है उस पर आते हैं ध्यान देना बेटा जी अब देखिए डाइपोल यहाँ पर ये डाइपोल आपका है ये डाइपोल अब ये डाइपोल क्या है थीटा वन एंगल पर रखा हुआ है ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बना हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो है प्लस क्यू पर कहा राइट साइड में फोर्स लगा रखा है माइनस क्यू पे लेफ्ट साइड में फोर्स लगा रखा है तो इससे क्या होगा इस डाईपोल में एक टॉर्क डेवलप होगा जो चाहेगा कि ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग आ जाए लेकिन हमने एक्सटर्नल वर्क करके इसको थीटा वन पे सेट किया हुआ है तो क्या जब ये इलेक्ट्रिक डा, डाइपोल थीटा वन पे रोटेट होकर के सेट हो गया है तो क्या उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है आप कहोगे है सर क्योंकि काम वर्क किया गया है तो यहाँ पर जो इसके अंदर इस हम मानेंगे कि यहाँ पर जो इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो उसको मानेंगे यू इनिशियल स्टार्टिंग में ठीक है बेटा जी या हम इसको कह देंगे यू थीटा वन मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट थीटा वन ठीक है ना अब इसको हमने क्या किया थीटा वन से हमने इसको रोटेट किया कहां पर एंगल थी सारा का सारा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन से ही मेजरमेंट होगा पहले थीटा वन पे था अब कहाँ चला गया थीटा टू पर तो थीटा टू पे चला गया तो ये इतना एंगल थीटा टू बन गया क्या यहां पर भी डाइपोल के पास अपनी एनर्जी है कहोगे सर यस क्योंकि वर्क किया गया है तो यहां पर जो इसकी एनर्जी होगी यू फाइनल और यू थीटा टू हम इस तरीके से इसको एज्यूम कर लेंगे ठीक है बेटा जी तो ये कॉन्सेप्ट आपका चलेगा अब एक चीज़ मैं इसको आप बताता हूँ आपको इसको मैं रफ करूँगा और आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको पता है कि यहाँ पर टॉर्क लग रहा है और टॉर्क हमेशा क्या है टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी हमेशा क्लॉक होगी क्योंकि टॉर्क हमेशा क्या करेगा ये जो टॉर्क है इलेक्ट्रोस्टैटिक के थ्रू वो इस डाइपोल को कहाँ लेके आना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग लेके आना चाहेगा ठीक है ना ये बात आप समझते हो अब बताओ बेटा जब आपने इस डाइपोल को थीटा वन से थीटा टू आप ले गए यहां से इसको रोटेट किया ऐसे मतलब पहले थीटा वन पे था आप थीटा टू आपने रोटेट किया तो क्या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया कि नहीं किया आपको सर बिल्कुल किया तो आपको वही निकालना है कि वट इज द वर्क डन फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू तो आप कहोगे सर कि बिल्कुल तो आप कैसे निकालते हो आप देखो थीटा वन से लेके थीटा टू तक जब लेके जा रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क आपका बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रो थीटा वन से लेके थीटा टू क्या टॉर्क आपका कांस्टेंट है आप कहोगे सर नहीं जितना हम ऊपर लेके जाएंगे उतना ही टॉर्क हमारा बढ़ता जाएगा टॉर्क हमारा बढ़ता जाएगा ठीक है बेटा जी और आप देखोगे कि यहां थीटा वन से लेके थीटा टू तक हमारा टॉर्क वेरिएबल है कैसा है बेटा जी थीटा वन से लेकर के थीटा टू तक हमारा टॉर्क वेरिएबल है इसलिए हम डायरेक्ट टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क नहीं निकाल सकते हैं हमारा एम है कि थीटा वन से लेकर के थीटा टू तक जब हमने डायपोल को रोटेट किया तो उस टाइम पर कितना वर्क हुआ उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे इसके लिए आप बीच में क्या करोगे एक छोटा सा एलिमेंट कट करोगे डी थीटा उस डी थीटा के अंदर क्या है आप वर्क निकालोगी है ना बेटा जी तो आप कहते हो कि सर इसे मान लीजिए ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये जो हमारा क्या था ये मान लो डाईपोल था हमारा थीटा वन पे था ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आपका ये और ये क्या था बताओ हमारा ये ये डाइपोल आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा टू पे था है ना आप क्या करोगे एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ कट करोगे डी थीटा से बीच के बीच में आपने डी डी थीटा से कट किया अब इसमें आप वर्क निकालोगे ये आपका डी थीटा है और इसमें आप वर्क निकालोगे इस छोटे से एलिमेंट में वर्क निकाल के आप थीटा वन से लेकर थीटा टू तक इंटीग्रेट कर दोगे तो आप टोटल वर्क डन आपको मिल जाएगा ठीक है बेटा ये तरीका है तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको करना है आप क्या करो देखो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है ना और आप जो है थीटा पे जा करके के कहाँ से आप थीटा पे जा करके थीटा पे जा करके आप एक छोटा सा एलिमेंट आपने दी दी थी थीटा कट किया ये तो इसमें कितना आपका वर्ग निकालना होगा आपको तो आप बताइए टॉर्क कहाँ लग रहा है डाइपोल है ना आपका ये डाइपोल आपका है तो जो टॉर्क आपका है ये टॉर्क आपका है क्लॉकवाइज और आपने रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज और वो भी स्मॉल किया हुआ है और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को हम रोटेट करते हैं तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होता है वो होता है पी ई साइन थीटा ये बता चुका हूँ मैं आपको ये आपको पता है ठीक है बेटा जी तो वन बाई वन करेंगे अभी स्मॉल एलिमेंट निकाल लेंगे डी डब्ल्यू कितना होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये चीज हम आपको बताते हैं आपको तो आप कहोगे सर स्मॉल वर्क डन स्मॉल वर्क डन ठीक है ना बाई क्या होगा बेटा जी ये आपका हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क इन टू डी थीटा छोटा सा आपने रोटेट किया ना ये देखो यहां पर ऐसे बना फिर से बनाता हूं मैं आपको समझो इस बात को पहले यहां पर आप कहाँ गए थे आप थीटा पे जा करके आपने है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये आपका डाईपोल है और ये आपने यहाँ पर कट किया ऐसे छोटा सा ये एलिमेंट आपका डी थीटा है तो इसमें आप वर्क निकाल रहे हो है ना और ये जो छोटा सा एलिमेंट है वो थीटा वन थीटा टू के बीच में ही कटा हुआ है इसके बीच में ही कटा हुआ है छोटा सा एलिमेंट तो आपने कहा टाउ इन टू डी थीटा है अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हो क्या करते हो कि बाई द कंजर्वेटिव फोर्स अगर टर्क टॉर्क आपका कंजर्वेटिव है तो आप कहोगे सर यहाँ लगाएंगे माइनस टाव इंटू डी थीटा ऐसा क्यों क्योंकि डी थीटा कहाँ हो रहा है डी थीटा आपका जो हो रहा है क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज देखो ना ये डी आप जब इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट किए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ एंटी क्लॉक वाइज और टॉर्क जो लगा वो लगा क्लॉक वाइज तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर माइनस साइन आएगा ठीक है ना मतलब ये आपका जो टॉर्क लगा है ये कंजर्वेटिव फोर्स ने लगाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है टॉर्क ये टॉर्क कौन लगा रहा है बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कंजर्वेटिव हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो चाहता है कि हमारा जो डाइपोल है हमारी लाइन में रहे तो अब देखो यहां पर आ गया माइनस तो आपने कहा अब बताओ टोटल वर्क डन क्या होगा टोटल वर्क डन अब टोटल वर्क डन क्या होगा बेटा जी टोटल वर्क जो आपका होगा आप इसके लिए समझ सकते हो कि टोटल वर्क डन जो आपका है वो होगा वर्क डन कहा से फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू है ना बेटा जी थीटा वन टू थीटा टू ठीक इसको ले लेंगे हम तो कितना हो जाएगा बेटा यहां से देखो थीटा वन टू थीटा टू आपका क्या हो जाएगा देखो इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना इंटीग्रेशन माइनस टाव डी थीटा कहाँ से थीटा वन से लेके थीटा टू तक आपने इंटीग्रेट कर दिया ठीक है ना अब ये जो वर्क है वो कंजर्वेटिव का वर्क है ये ये जो वर्क डन है किसका है कंजर्वेटिव क्योंकि टॉर्क लगा रहा है ना टॉर्क ही तो वर्क कर रहा है कौन सा टॉर्क जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला टॉर्क है तो आप कहोगे यहां पर क्या आ जाएगा इसको लिख लेंगे वर्क क्या होता है यू इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ए ए इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा क्या थीटा वन टू थीटा टू टॉर्क की वैल्यू क्या होती है पी ई साइन थीटा क्या होती है पी ई साइन थीटा ये आपने पढ़ा होगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा था तो वहां पर टॉर्क की जो वैल्यू आई थी ई साइन थीटा इंटू क्या आ गया आपके बेटा जी डी थीटा अब देखो यू आई माइनस यू एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां है से माइनस पी ई हमने कॉमन ले लिया और इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा जी साइन थीटा डी थीटा थीटा वन से लेके थीटा टू तक बड़ा ही सिंपल इंटीग्रेशन इसका है इज इस इक्वल टू माइनस पी इन टू ई आ जाएगा आपका साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा आपका कॉस थीटा इन ब्रैकेट अच्छा माइनस कॉस थीटा आएगा ना बेटा जी साइन को इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस आता है थीटा वन टू थीटा टू अब देखो बेटा जी माइनस को बाहर निकाला तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल है ना और इसको ये भी लिख सकते हो यू थीटा वन माइनस यू थीटा टू आप थीटा वन से चले हो कहाँ पहुँचे थीटा टू तक पहुँचे हो और थीटा वन से लेकर थीटा टू तक का वर्क आप कैलकुलेट कर रहे हो इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस पी ई है ना बेटा ये हो जाएगा इन ब्रैकेट क्या अगर हम माइनस को बाहर लेंगे तो प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन ये आपका आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है और हमारा डायपोल मान लो यहाँ पे है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनी हुई है यूनिफॉर्म मान लो है ये हमारा डाइपोल यहाँ पर ऐसे है ये हमारा माइनस क्यू है ये हमारा प्लस क्यू है ये एंगल आपका थीटा वन है तो अगर हमने थीटा वन से क्या किया इस डाइपोल को थीटा टू तक हमने ऐसे रोटेट किया यहाँ पर क्या है यहाँ पर प्लस क्यू है यहाँ पर माइनस क्यू है और ये जो एंगल आपने रोटेट किया है ये थीटा टू है तो थीटा वन से अगर आपने थीटा टू रोटेट किया तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक रोटेट करने में जो सिस्टम में अब थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट किया तो आपने वर्क किया कि नहीं किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट आपने काम किया वही जो वर्क है वो सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम जो है आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा कितना होगा पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन पी क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है बताया है मैंने आपको और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर थीटा वन से आप थीटा टू आपने रोटेट किया तो एनर्जी कितनी स्टोर हुई आई थिंक आप लोग समझ गए ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए अब एक बच्चे का क्वेश्चन ये बना कि सर मान लीजिए आपने ठीक है हमने थीटा वन से लेकर थीटा टू तक रोटेट किया तो आपने वर्क निकाल लिया और आपने कह दिया कि थीटा वन से लेकर के थीटा टू तक रोटेट करने में इतनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई वो फार्मूला आपने यहां बना के लिख दिया अब एक बच्चे ने पूछा कि सर हम चाहते हैं कुछ ऐसा कि मान लो यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ठीक है ना और डायपोल मान लो ऐसे रखा हुआ है डाइपोल मोमेंट पी हम बनाने का मतलब कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है माइनस की होगा प्लस की इधर होगा ठीक है ना मान लो वो एंगल थीटा पर ऐसे रखा हुआ है तो किसी बच्चे ने हमसे पूछा कि सर बताइए इस टाइम पर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इस स्टेट में रखा हुआ है इस पोजिशन में क्या इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है तो हमने कहा यस है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि उसको हमने क्या किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कि पहले लॉन्ग रहा होगा हमने रोटेट कर दिया होगा उसको रोटेट करके हमने वर्क किया होगा है कि नहीं बेटा जी तो क्या अगर इस पोजीशन में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है तो ये तो हंड्रेड परसेंट श्योर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी तो उसने कहा कि सर एक ऐसा फार्मूला निकालो कि जिस फार्मूले से हम क्या है कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक एंगल पर रखा हो तो उस एंगल को देख करके उस डाइपोल के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम निकाल लें क्योंकि ये तो आपने जो फार्मूला बनाया है फार्मूला तो थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट करने के बाद जो स्टोर्ड हुआ उसको आपने निकाला है लेकिन अगर ऐसी पोजीशन है कोई बच्चा कह दे कि इस स्टेज में इस पोजीशन में इस डाइपोल के पास कितनी एनर्जी है तो हम कैसे निकालेंगे एक सिंपल ऐसा फार्मूला बनाया जाए ठीक है ना तो ठीक है बेटा उसको भी हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई एंगल थीटा पे कोई डाइपोल रखा गया है तो उस डाइपोल के पास क्या एनर्जी होगी कितनी एनर्जी बनी होगी उसको हम निकाल लेंगे इसी फार्मूले को आगे बढ़ा करके तो आई थिंक मेरा क्वेश्चन आप समझ गए होगे तो क्या होता है बेटा जी जैसे मान लो आप लोग कहते हो कि जैसे मान लो कि आप कहते हो कि भाई हमारे पास ये ग्राउंड है है ना इस ग्राउंड एक ग्राउंड है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट को हम उठा करके ऊपर लेके गए यहाँ पर एच हाइट पे लेके गई इस ऑब्जेक्ट को तो बताइए इस ऑब्जेक्ट के अंदर एच हाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी हुई तो आपने पढ़ा है कि एम जी एच ये जो एम जी एच एनर्जी है ना इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी के अंदर स्टोर हो गई ठीक है बेटा जी लेकिन आपने ये माना है कि जब जब ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ था ग्राउंड पे था तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो जीरो थी तब एच हाइट पे जाने के बाद उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वो एम जी एच हुई इसका मतलब मैक्सिमम जब स्टैंडर्ड हम रिजल्ट निकालते हैं जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा तो आपने ये माना कि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है इसके बाद उसको इन्फिनिटी से लेके आए चार्ज पार्टिकल को तो किसी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया इसी तरीके से आपको अगर किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो आपको एक रिफरेंस लेवल चाहिए जहां पर उसको पहले जीरो मानो एक रिफरेंस लेवल कि जहां पर उस क्वांटिटी को हम जीरो मान लेंगे इसके बाद फिर डिफाइन करेंगे कि वो लेफ्ट में कितना है या राइट right में कितना है ठीक है ना जैसे यहाँ पर रिफरेंस लेवल आपने ग्राउंड पे मान रखा है अब आपको क्या करना होगा कि अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर उसको हम रोटेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके पास अलग अलग, अलग एनर्जी होगी तो ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे ऐसा हमारा एजेंशन होगा ठीक है बेटा ये एज्यूम कर लेंगे क्या कि जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल बिल्कुल परपेंडिकुलर मान लो ऐसे आ गया यहाँ पर प्लस क्यूँ आ गया यहाँ पर आपका माइनस क्यूँ आ गया और कितना एंगल बना बुटो पिला जी बोटो ये आपका बना नाइन्टी डिग्री तो अगर एंगल आपका 90 डिग्री बना तो आप ये मान लोगे तो थीटा आप ये मान लोगे कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री उस टाइम पर डाइपोल के पास जो एनर्जी है वो है जीरो जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हम रोटेट करेंगे पूरा 180 डिग्री तक रोटेट करेंगे लेकिन ऐसा मान ले रहे हैं कि हमारा जब क्या है जब हमारा डाइपोल 90 डिग्री पे आता है तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तब हम फार्मूला बना पाएंगे ऐसा हमारा एजेंसन है इसको हम लेके आगे बढ़ेंगे अब देखो अब हमने कह दिया मान लो कि मान लो कि हमारा जो ये ये हमारा डाइपोल है हमने इस बनाया ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना हुआ देखो ठीक है ना ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है ऐसे ध्यान देना मैं फार्मूला बना रहा हूँ अच्छा आपने कहा कि मान लो ये आपका है डाइपोल है ये कितना है आपका एक एंगल कितना बनाया थीटा वन बनाया ठीक है बेटा जी और जो दूसरा एंगल इसने बनाया ये आपका डाईपोल यहां चला आया तो जो एंगल ये बना ये एंगल बना थीटा टू मतलब हमने थीटा वन से लेकर के थीटा टू तक रोटेट किया लेकिन जो थीटा टू है वो नाइन्टी डिग्री मान लिया हमने अब बताओ हमारा फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला है यू आई माइनस यू एफ इक्वल टू क्या है बेटा जी पी ई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन ये ये हमारा फार्मूला है तो इसमें बताओ बेटा जी थीटा वन क्या है? थीटा टू क्या है अच्छा यू आई क्या है यू आई तो थीटा वन पे है माइनस यू एफ कितना है नाइन्टी डिग्री पे है थीटा टू ये आपका यू आई बनेगा ये आपका यू एफ बनेगा क्योंकि थीटा वन से आपने थीटा टू रो रोटेट किया हुआ है तो आपको आपने पहले एज्यूम कर लिया है कि जब थीटा जब आप नाइन्टी डिग्री पर डाइपोल आपका आएगा तो उस टाइम पर डाइपोल के पास जो एनर्जी होगी वो जीरो होगी तो इसको जीरो आपने ले लिया तो आपने कहा सर ये ज़ीरो हो जाएगा और हो जाएगा तुम्हारा पी ई ब्रैकेट में कॉस थीटा टू कितना नाइन्टी डिग्री है माइनस कॉस थीटा वन आ गया ठीक है ना अब ये हो जाएगा आपका जीरो तो जो आप ये जो यू आई आ गया यू आई और यू थीटा वन यही ना या तो यू आई बोलोगे यू थीटा वन बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा वन के आगे गया आपका बोलो माइनस पी ई कॉस थीटा वन देखो कितना बढ़िया फार्मूला निकल के आया कि यू यू एट थीटा वन कितना आ गया माइनस पी थीटा वन ये क्या इसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बना हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट किस एंगल पे रखा गया बेटा जी मान लो मान लो यहाँ पर रखा गया है थीटा एंगल पे रखा गया है ये डाइपोल मोमेंट तो बताइए इस डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो होगी तो कहोगे सर यहाँ होगी यू थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस पी ई कॉस थीटा तो किसी भी एंगल पर आप अगर डाइपोल रखा हुआ है सिंपल अकेला तो एक फार्मूला यहां से आपने निकाल लिया ये फार्मूला तभी के लिए वैलिड है जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट नाइन्टी डिग्री क्या माना आपने है जीरो माना है ये रेफरेंस लेवल हो गया तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पर एग्जाम्पल दे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप बता ले जाओगी कि मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये और इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और ये इसने एंगल बना रखा है मान लो सिक्सटी डिग्री तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द डाइपोल तो कहोगे डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी माइनस पी ई क्या होगी कॉस सिक्सटी डिग्री वैल्यू रखोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा आई थिंक ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग नोट करना बेटा जी इट इज़ इंपॉर्टेंट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको क्या बता रहा हूँ तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है किसी एंगल पर और साथ में अगर आप क्या है थीटा वन से थीटा टू रोटेट कर रहे हैं उस टाइम पर जो एनर्जी स्टोर होगी वो इसको याद कर लोगे आप लोग ठीक है बेटा जी इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आपका है कि आपने कहा कि हमारे पास फार्मूला हो गया क्या फार्मूला हमारे पास हो गया यू इक्वल टू क्या लिखा आपने माइनस पी ई कॉस थीटा वन क्या है सिंपल थीटा लिखो ये फार्मूला आपका आ गया मेन फार्मूला आपका किसी एंगल पर ठीक है ना अब अगर आपने कहा सर मान लो थीटा इक्वल टू क्या माना आपने थीटा इक्वल टू जीरो मान लिया तो थीटा इक्वल टू अगर जीरो है तो इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है ये और डाइपोल हमारा डायपोल मोमेंट भी इधर ही होगा पी है ना माइनस क्यू इधर होगा प्लस क्यू इधर होगा तभी तो एंगल जीरो होगा कितना हो जाएगा बोलो यू इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस्ट जीरो कितना होता है माइनस पी इन ई ये आ जाएगा बेटा जी ठीक है ना अब इसको कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा क्या कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी माइनस पी डॉट ई ये भी चलेगा क्योंकि डॉट वाला फॉर्मूला है पी मतलब पी कॉस थीटा है ये हो जाएगा तुम्हारा पी डॉट ई ठीक है बेटा जी जब ये जीरो पे है एंगल बनाएगा और अगर आपने कहा कि दूसरे पॉइंट में आपने कहा ये पहला पॉइंट था दूसरे पॉइंट में आपने कहा मान लो थीटा जो आपका है उसने बनाया नाइन्टी डिग्री ये तो ऑब्वियस है कि 90 डिग्री पे क्या होगा आपने जीरो एज्यूम कर लिया है 90 रख के देखो कॉस 90 जीरो होता है तो U एट 90 क्या होगा जीरो होगा ठीक है ना इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आपका आएगा उसमें क्या होगा थीटा इक्वल टू जब आएगा 180 डिग्री ठीक है बेटा जी थीटा इक्वल टू क्या आएगा वन डिग्री तो आप कहोगे सर यहाँ क्या रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टेट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट वन डिग्री क्या बनेगा बेटा जी माइनस पी ई कॉस वन और कॉस वन होता है माइनस तो ये हो जाएगा तुम्हारा यू वन इक्वल टू वट पी ई आ जाएगा डायरेक्ट ठीक है ना तो ये आपका आ जाएगा जब हमारा डायपोल कैसा होगा इस वाले केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा डायपोल बिल्कुल कितना एंगल बनाता होगा 90 डिग्री और इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे होगा राइट साइड में डाइपोल जो आपका एंगल बनाएगा वो ऐसे बनाएगा डाइपोल आपका इधर होगा माइनस इधर होगा प्लस इधर होगा डाइपोल मोमेंट इधर होगा ठीक है बेटा जी ये आपका वन एटी डिग्री आ गया आई थिंक ये केसेस आपको समझ में आई कहीं कोई डाउट होगा तो हमसे बेटा जरूर पूछना ठीक है ना और बेटा एक चीज़ मैं यहाँ पर और पॉइंट आउट कर दूँ तीनों केस को मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूँ ऐसे जैसे आपकी पहली जो केस थी है ना उस केस में आपने क्या रखा था थीटा इक्वल टू तो आपने रखा था जीरो तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आई थी जीरो पे वो आई थी माइनस पी इंटू ई आई थी ठीक है ना आई थिंक मेरी बात आप समझ गए और आपने कहा कि सर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में था और डायपोल मोमेंट भी क्या था राइट साइड में ही था ठीक है ना अब जो दूसरी केस आपने रखा था अच्छा दूसरी केस जो आपने रखा था उसमें क्या था थीटा इक्वल टू आपने रखा था नाइन्टी डिग्री है ना बेटा जी तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी आई थी वो आई थी क्या जीरो ये कब बना था जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ था राइट साइड में मान लो था और ये डाइपोल मोमेंट जो बिल्कुल इसके नाइन्टी डिग्री बनाया था एंगल ऐसे ठीक है ना और इसके बाद आपने जो थर्ड केस निकाली है उसमें थीटा इक्वल टू क्या रखा आपने वन एट्टी डिग्री और ये जो U 180 डिग्री आया था ये आया था आपका प्लस पी ई इस केस में क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ था राइट साइड में और डाइपोल मोमेंट आपका था लेफ्ट साइड में ठीक है ना ये केस तीनों हमने बताई थी अब इसमें देखो क्या है ये सबसे स्टेबल स्टेट है मतलब ऐसे ही डाइपोल रहना चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाग ही रहना चाहेगा जब जब हम क्या इसको इस डाइपोल को डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे भाग के आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही आ जाएगा ये जब आपने क्या इसको डिस्टर्ब किया और थोड़ा सा क्या आपने इसको ज़रा स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो ये फिर से अपनी इनिशियल पोजिशन पर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपनी तरफ खींच के ले ही आ जाएगी तो यहाँ पर ये जो देखो क्योंकि माइनस में आया है ना ये तो इसे बोलते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है और यह स्टेबल इक्विब्रियम है स्टेबल इक्विब्रियम है मैं इसको बता भी चुका स्टेबल है जब भी इसको स्लाइटली डाइपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस करके आप रिलीज करोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एलॉन्ग आ जाएगा ठीक है ना आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है बेटा जी और यहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो है ठीक है ना और देखो थर्ड केस में क्या है प्लस पी है ये आपका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और ये अनस्टेबल इक्विब्रियम है मैंने आपको बताया था इसमें जब स्टेबल बता रहे थे स्टेबल और अनस्टेबल इसको स्लाइडेड डिस्प्लेस करोगे तो पूरा का पूरा ये घूम जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाग पी चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलांग चला जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि जो पी है वो हमारी डायरेक्शन में बना रहे इसलिए वो उसको रोटेट कर देगा अब बच्चे सोचते हैं कह देंगे सर आपका ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है तो जीरो क्या है जीरो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का पॉइंट है मतलब जीरो मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मिनिमम है वो उसकी वैल्यू होती है बस रेफरेंस लेवल आपने क्या है जीरो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई आपकी जीरो हो गई माइनस हो गई और प्लस हो गई ठीक है ना तो आप ऐसे इसको बना सकते हो कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस में है है ना जीरो है और ये प्लस है ये तीनों में आपको पोटेंशियल एनर्जी दिखाई पड़ेगी लकी डाइपोल में ये बिल्कुल मिनिमम है ये आपका मैक्सिमम है जीरो आपका बीच में आएगा ये पूरी की पूरी स्टोरी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जब उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो एनर्जी किस तरीके से जो है एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा किस प्रकार से वो एनर्जी को स्टोर करेगा और ये तीन केसेस आ गई जीरो पर क्या है नाइन्टी पे क्या है वन एट्टी डिग्री पे क्या है आई थिंक सारे बच्चे समझ गए होंगे किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो प्लीज हमसे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट केस था हमने आपको डिस्कस किया ठीक है बेटा जी थैंक यू